हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार द्वारा, जो है दीपक कुमार सर द्वारा, एक अहम बैठक की गई जिसमें कई अहम फैसले और मुद्दों पर चर्चा किया गया। रिक्तियों के बारे में चर्चा किया गया, जो आपको जिला रिक्ति नहीं भेजी है अब तक मुख्य सचिवालय, उनको तलब किया गया है, अल्टीमेटम दिया गया और साथ ही कहा गया है रिक्ति नहीं देने वाले जिलों को अल्टीमेटम। कक्षा 1 से 12 तक जो 1,75,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जो एक से दो माह में आने वाली है, इस मुद्दे पर चर्चा हुई। और बहाली किस प्रकार होगी, क्या होगा रोड मैप, इस बारे में काफ़ी चर्चा हुआ, क्योंकि छठे चरण में देखा गया था कि फर्जीवाड़ा बहुत देखने को मिला, जिस कारण इस बार अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ये मौजूद थे, अध्यक्षता कर रहे थे दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव जो थे वो, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उन्होंने तलब किया है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने जिला के द्वारा सीट नहीं भेजी है, उनको सीट भेजने की, रिक्तियों की डाटा भेजने की अल्टीमेटम तैयार किए हैं। डिटेल्स में यहाँ पढ़े तो शिक्षकों की 7वें चरण के तहत नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति जाएगी। और शिक्षक बहाली की बात करें तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई, बहाली पारदर्शी तरीके से होगी, इस मुद्दे पे गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई। कई जिलों में रिक्ति नहीं आने से जो है अपर मुख्य सचिव नाराज दिखे और नाराजगी जताई। जिन जिलों में अब तक रिक्ति नहीं भेजी जा गई है रिक्तियों जिलों के द्वारा, वहां के शिक्षा अधिकारियों को फिर से अल्टीमेटम दिया गया है। छठे चरण में बहाली के तरीके में रह गई कमी पर चर्चा हुई, ताकि 7वें चरण में किसी का कोई शिकायत न हो। 7वें चरण की बहाली केंद्रीकृत होगी, सभी को मालूम है, और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई उसे दूर कर लिया जाए, ताकि कहीं भी पारदर्शिता पर सवाल न उठे। बहाली प्रक्रिया से मुखिया और संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका की भी चर्चा हुई। और यहां शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए, बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी। याद रखिएगा, बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी लेकिन चयन शिक्षा विभाग करेगा, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। 7वें चरण का यही विशेषता है, बहाली तो नियोजन इकाई करेगी लेकिन जो आपका सिलेक्शन है शिक्षा विभाग के माध्यम से होगा। हालांकि अंतिम रूप से सरकार से बहाली प्रक्रिया पर सहमति लिया जाना है। और प्रारंभिक स्कूलों में 1 लाख तक आ सकती है रिक्तियाँ, प्रारंभिक स्कूल में 80,000 से 1 लाख तक की रिक्ति आ सकती है, जबकि हाई स्कूल में भी लगभग इतनी रिक्ति रह सकती है 7th फेज में। हालांकि रिक्ति की गणना अंतिम रूप से करना अभी बाकी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगवा चुबा आव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे और अहम समीक्षा की हुई। यह काफ़ी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक थी अभी तक का 7वें चरण को लेकर। तो लगभग सभी अखबारों में इसी से मिलता जुलता खबर है, जैसे हम अपने चैनल पे लगभग सभी जिलों का डाटा साझा कर रहे हैं कि कहाँ कितने सीटें हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि 7th फेज से लगातार जुड़ी जानकारी आती रह रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।